स्टार प्लस के हाई रेटेड शो अनुपमा में गौरव खन्ना और रूपाली गांगुली की बेमिसाल और मदमस्त जोड़ी दिखाई दे रही है, जिनके बीच की केमिस्ट्री और शुद्ध प्रेम कहानी को दर्शक काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तभी तो इन दोनों का नाम कई बार एक दूसरे के साथ जोड़ा भी गया है, जिसे हर बार इन दोनों ने इग्नोर किया है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस बार गौरव खन्ना के साथ नाम जुड़ने पर रूपाली गांगुली बुरी तरह से भड़क गईं और जोश में काफी कुछ कह गईं, जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। इसीलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर रूपाली गांगुली ने गौरव खन्ना के साथ अपना नाम जुड़ने पर क्या कुछ कहा है। पर उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, आप सभी स्टार प्लस का हाई रेटेड शो अनुपमा तो देखते ही होंगे, जो कि इन दिनों काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, जिसका सारा श्रेय इस सीरियल में अनुपमा का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री रूपाली गांगुली को और अनुज कपाड़िया का किरदार निभाने वाले अभिनेता गौरव खन्ना को जाता है, जिनके बीच की शुद्ध देसी प्रेम कहानी और केमिस्ट्री दर्शकों को इतनी ज्यादा पसंद आ रही है कि दर्शक इन दोनों पर से अपनी निगाहें हटा ही नहीं पाते हैं और इन दोनों में इतना ज्यादा खो जाते हैं कि भूल ही जाते हैं कि दोनों सिर्फ ऑन स्क्रीन जोड़ी है, ना कि ऑफ स्क्रीन। यही वजह है कि दर्शक हमेशा इन दोनों का नाम एक दूसरे के साथ लिंकअप करते रहते हैं, जिसके बारे में जब भी गौरव खन्ना या रूपाली गांगुली को पता चला है तो उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो अपने दर्शकों से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन खबरों के मुताबिक इस बार जब गौरव खन्ना के साथ रूपाली गांगुली का नाम जोड़ा गया तो रूपाली को काफी ज्यादा बुरा लगा और वो इस बात पर काफी भड़की हैं, जिसके बाद रूपाली गांगुली ने कहा कि पता नहीं लोगों को क्या दिक्कत है, किसी के भी साथ काम क्या कर लो, वो तो उन्हीं के साथ प्रेम कहानी बनाने लगते हैं और उनका लव अफेयर भी चालू कर देते हैं। लगता है कि दर्शकों को और कुछ काम नहीं है, सिर्फ ऐसी बेकार की अफवाहें ही बनाने आती हैं। हम सभी अपने फैंस से काफी प्यार करते हैं और हम नहीं चाहते कि हम उनके बारे में कुछ भी गलत कहें, पर हमारी फीलिंग का ख्याल रखना चाहिए और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मैं एक शादीशुदा अभिनेत्री हूँ और अपने पर्सनल लाइफ में काफी ज्यादा खुश भी हूँ, तो मैं किसी और एक्टर पर लाइन क्यों मारूंगी और क्यों किसी और के पीछे भागूंगी। इसी के साथ साथ रूपाली गांगुली ने ये भी कहा कि जब लोग इनका नाम गौरव खन्ना के साथ यूं ही फालतू में जोड़ते हैं तो इन्हें काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि गौरव सिर्फ इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, जिनके साथ वो काम करना और ऑफ स्क्रीन थोड़ी मस्ती करना पसंद करती हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों के बीच कोई चक्कर ही चल रहा है या कोई लफड़ा ही हो। दोस्तों के बीच भी ऐसा ही रिश्ता होता है। रूपाली गांगुली का सिर्फ इतना ही कहना है कि फैंस बस थोड़ा ख्याल रखें और ऐसी बेकार की ऊटपटांग बातें ना करें। दोस्तों, क्या बाकी दर्शकों की तरह आपको भी लगता है कि गौरव खन्ना और रूपाली गांगुली के बीच कोई अफेयर चल रहा है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और तमाम खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।